इंतहाई आप खंदा पेशानी से पेश आते थे और गुरबा जब इंतहा हमदर्द जब भी कोई गरीब उनके पास आता था या तो खुद मदद करते थे या अगर खुद मदद नहीं कर सकते थे तो फिर किसी न किसी साहिब खैर से कह के वो उसकी मदद करवाते थे। कोई भी उनके दर से कोई भी गरीब फकीर कभी खाली नहीं गया। और आप शायर भी थे, मद्दा अहले बैत थे और भी अरबी ज़बान के बहुत बड़े माहिर थे। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी आले बाकिरुल उलूम 17 फरवरी सन 1927 ईस्वी में सरजमीने करबलाए मौला इराक पर पैदा हुए। मौसूफ का ताल्लुक लखनऊ के इल्मी घराने से है। आपके वालिद आयतुल्ला सैयद अली रिज़वी अजीमुल मर्तबत इल्मी शख्सियत के मालिक थे। आयतुल्ला सैयद अली को उलमाए नजफ ने इजाजात इज्तिहाद से नवाजा, जिनमें आयतुल्ला ज़ियाउद्दीन इराकी, आयतुल्ला हादी आले काशिफुल गिता, आयतुल्ला मोहम्मद काजिम और आयतुल्ला इब्राहिम रश्ती के अस्माए ग्रामी सरे फहरिस्त हैं। इनके अलावा आयतुल्ला अब्दुल हुसैन रश्ती, आयतुल्ला अबुल हसन मूसवी और आयतुल्ला मोहसिनुल अमीन आमुली ने नकल रिवायत की असनाद अता फरमाई। आपके दादा आयतुल्ला बाकिरुल उलूम भी इल्मी दुनिया के चमकते हुए आफ्ताब थे, जिन्होंने मदरसे सुल्तानुल मदारिस में दरसे खारिज देना शुरू किया, जिसमें हादीउल मिल्लत सैयद मोहम्मद हादी के छोटे भाई शम्सुल उलमा सैयद सिप्ते हसन और उम्दतुल मुहक्किकीन सैयद आलिम हुसैन वगैरह ने शिरकत फरमाई। बाकिरुल उलूम के दीगर शागिर्दों में आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफी, मौलाना सैयद शब्बीर हसन साबिक उस्ताद वसीका अरबी कॉलेज फैज़ाबाद, मुफ्ती आज़म आयतुल्ला सैयद अहमद अली मूसवी, ज़फ़रुल मिल्लत सैयद ज़फ़रुल हसन, आयतुल्ला सैयद राहत हुसैन गोपालपुरी और ख़तीब आज़म सैयद सिप्ते हसन नकवी वगैरह के असमा काबिले ज़िक्र हैं। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास बेहतरीन खुशनवीस, नहायत मुत्तकी, परहेजगार, मुतवाज़े, शरीफुन नफ्स और कम सुखन आलमे दीन थे। आपने इब्तदाई तालीम अपने घर में हासिल की और फिर मदरसे सुल्तानुल मदारिस में दाखिल होकर वहां के बुजुर्ग असातज़ाए किराम से कस्ब फैस किया। सन 1954 ईस्वी में आपने तालीम मुकम्मल की और सुल्तानुल मदारिस की आखिरी सनद सदरुल अफाजिल मुदर्रिस आला के हाथों से हासिल की। सन 1955 ईस्वी में फ़िक़्ह उसूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद दरसे खारिज के लिए नजफ अशरफ इराक़ का रुख किया और हौज़ इल्मिया नजफ में जैद असातिज़ा जैसे आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम, आयतुल्ला सैयद मोहम्मद शहरुद्दी, आयतुल्ला अबुल कासिम खुई, आयतुल्ला फ़ानी इस्फ़हानी और आयतुल्ला रूहुल्ला इमाम खुमैनी वगैरह से 24 साल कस्ब फैस किया। सन 1979 ईस्वी में नजफ अशरफ इराक से हिंदुस्तान वापस आए और शहर लखनऊ में दरसो तदरीस, इमामत नमाज पंजगाना वगैरह में मशगूल हो गए। मैसूर कर्नाटक में इमाम जुमा वल जमात की हैसियत से वज़ाइफ़ दीनी को 8 साल तक बनहवे एहसन अंजाम देते रहे। आपके वालिद आयतुल्ला सैयद अली रिज़वी की रहलत के बाद मदरसे सुल्तानुल मदारिस की प्रिंसिपली आपको पेश की गई तो मौसूफ ने इस जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया और गोशा नशीनी को प्रिंसिपली पर तरजीह दी। आपने कुछ अरसे सुल्तानुल मदारिस में तदरीस के फराइज भी अंजाम दिए और बहुत से शागिर्दों की तरबियत की। आप फ़िक़्ह उसूल और दीगर उलूम में महारत के साथ बेहतरीन शायर भी थे और अख्तर तखल्लुस फरमाते थे। अल्लाह ने मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी को 4 बेटियां अता कीं, जो मौलाना लियाकत रज़ा, जवाद हुसैनी, अली जाफ़र और आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद से मंसूब हैं, और एक बेटा अता फरमाया जो मौलाना सैयद मोहम्मद बाकिर रिज़वी के नाम से पहचाना गया। मौलाना बाकिर इल्म व अमल में अपने वालिद की जीती जागती तस्वीर थे। मौलाना सैयद मोहम्मद बाकिर अपने वालिद के मानिंद मुत्तकी, परहेजगार, आलिम बाअमल और इल्म दोस्त थे। तहसील इल्म के लिए कुमुल मुकद्दसा में मुकीम थे। इसी असना में मरीज हो गए, ईरान से हिंदुस्तान आए, बहुत इलाज कराया मगर शफा न मिल सकी और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी ने जवान बेटे मौलाना सैयद मोहम्मद बाकिर सदरुल अफाजिल की वफात का बहुत सदमा लिया।
और फर्जंद की रहलत के बाद खुद भी साहिब फराश हो गए। जवां फर्जंद की याद में अपने घर को इमाम बारगाह में तब्दील कर दिया और उसका नाम भी अपने बेटे के नाम पर हुसैनिया बाकिरिया रखा, जो आज भी बाप और बेटे की यादगार बना हुआ है। आखिरकार ये इल्म फजल का आफताब 18 जिलहिज 1417 हिजरी में सरजमीने लखनऊ पर गुरूब हो गया। उलमा, अफाजिल, तुल्लाब और मुमिनीन का मजमा आपके शरीयत कदे पर उमड़ पड़ा और नमाज जनाजा के बाद मजमे की हजार आहुबुका के हमराह हुसैनिया गुफरान माब में सुपुर्दे लहद कर दिया गया।